हाय दोस्तों, मेरा जो और आप देख रहे हैं होममेड टेक्निकल चैनल। आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। मैंने लिया है 12012 का 2 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर और एक लिया है 120 का 3 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर और एक ट्रांसफार्मर लिया है 12012 का 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर। हमें चाहिए एक जैसे ट्रांसफार्मर। ये 12012 का है, इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे 12012 का 2 ट्रांसफार्मर, एक है 2 एम्पीयर का और एक है 5 एम्पीयर का। ये 2 ट्रांसफार्मर मैंने ले लिया है। इसके आउटपुट है 12012 और इसकी भी 12012। इसे हम आप 12012 जो आउटपुट है इसे हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। इसके 12 वोल्ट को दूसरे ट्रांसफार्मर के 12 वोल्ट पे कनेक्ट कर देंगे और 0 को 0 से कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, और 12 को दूसरे ट्रांसफार्मर के 12 पे कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हम 12012 को आपस में कनेक्ट कर देंगे। हमारा ये कनेक्शन हो गया है। इस तरह से हमें कनेक्ट कर देना है। अब मैंने लिया एक होल्डर, इसे हम आउटपुट के लिए इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। इस तरह से आउटपुट का हमारा कनेक्शन हो गया है। इस तरह से हमें कनेक्ट कर देना है। अब हम इनपुट के लिए एक दूसरे ट्रांसफार्मर के इनपुट पे इस तरह से एक प्लग पिन लेंगे। इसे हम इस तरह से लगा के इसे कनेक्शन कर देंगे और इसका कनेक्शन होने के बाद इसे पैक कर लेना है। इस तरह से हमें इसका ढक्कन लगा के इसे फिक्स कर लेना है। अब हम एसी प्लग लेंगे, इसे हम इस तरह से इसे कनेक्ट कर देंगे। अब हम लेंगे एक 100 वाट का बल्ब। ये मैंने 100 वाट का बल्ब ले लिया है, इसे हम आउटपुट के लिए लगा देंगे। अब हम स्विच ऑन करके देखेंगे कि क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने स्विच ऑन कर दिया है और ऑन करने के बाद ये 100 वाट का बल्ब आसानी से जल रहा है। हमने अभी एक ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट दे दिया है और इसके 12 वोल्ट से हमें दूसरे ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करके इसके आउटपुट पे हमें बल्ब लगा दिया है। अब हम इसको उल्टा करके देखेंगे कि इस ट्रांसफार्मर को आउटपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे और छोटे ट्रांसफार्मर को इनपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने ये होल्डर खोल दिया है और इसे हम इस ट्रांसफार्मर पे कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। इस तरह से हम इसे कनेक्ट कर देंगे और इनपुट के लिए इस तरफ से हमें ये प्लग पिन को कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से मैंने इस तरह से इसे कनेक्ट कर दिया है दूसरे ट्रांसफार्मर को और इसे हम पैक कर लेंगे ताकि कुछ शॉक ना लगे। इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। अब हम लेंगे फिर 100 वाट का बल्ब, इसे हम इस तरफ से लगा लेंगे और प्लग में इसे पिन को हम कनेक्ट कर देंगे और 220 सप्लाई देंगे। तो मैंने प्लग पिन को इंसर्ट कर दिया है। तो इस तरफ से आप देख सकते हैं कि इस तरफ से भी बल्ब ग्लो हो रहा है, लेकिन थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि ये 2 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है और ये 5 एम्पीयर का। तो हम अब एक 9 वोल्ट की एलईडी लिए हैं। अब हम ये लगा के देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरी ब्राइट होके जल रही है, फुल रोशनी दे रही है। वो 100 वाट का बल्ब है लेकिन ये 9 वाट का एलईडी ये आसानी से जल रहा है। तो इस तरह से हम एक ट्रांसफार्मर को दूसरे ट्रांसफार्मर से जोड़कर इन्वर्टर बना सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।